शादी के लिए चाहिए, बोलते कि यू फाउंड योर पार्टनर, सियासी कारकुन होता है, कोई इंकलाबी होता है, कोई कॉमरेड होता है, कोई भी जद्दोजहद करने वाला होता है, वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा होता है, इसी समाज का हिस्सा होता है, वो भी कोई खाई मखलूक नहीं होता है, वो कोई शादी ना करे या वो कोई इस किस्म के अवाम से समाज से कट के अपने लिए कोई किरदार अदा करे। जेल के अंदर हमारी मंगनी हुई थी, मैं जेल में कैद था और ये जो वहाँ एक तालिबे की जानिब से हमें पैगाम मिला कि कोई तालिबा आपसे शादी करना चाहती है, वहाँ आप इस स्ट्रगल से लोग इंस्पायर है, आप तरफ उनका झुकाव है, तो उस दौरान तो मैंने मना किया, हम बहुत तवील अरसे के लिए हैं, फिर रिश्तेदार अजीज़ व अकारीब बीच में आ गए, उन लोगों ने हमें फाइल किया यार दोस्त, तो हमारी मंगनी जेल में हो गई। ये तारीख की एक अनोखी बात है। अब जेल में दो बार उम्र कैद की सजा हुई है और आपको जनाब बोला वहाँ पे शादी के लिए आपने रिश्ते पे किसी के दर पे जाना है। तो मैंने अभी भी बात की कुछ लम्हे पहले यहाँ हमारे मेहनतों के इज्तम में, रिश्ते के लिए जब भेजते हैं तो अपना बेटे का रिश्ता लेके किसी के दर पे जाते हैं, उसको कहा जाता है कि मेरे बेटे का ये दुकान है, ये तिजारत है, ये काम करता है, ये कारोबार है, ये मामला चलाते हैं, कोई जहाज चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। हमारा अनोखा था और मुनफरिद था, हमारा बंदा जेल में है, वो भी दो बात मुनफरिद के लिए रहाई के कोई इम्कान नहीं, तो उन लोगों ने वहाँ से आगे हमें रिश्ता उस लड़की का हाथ हमें हाथ में दिया। फिर उसमें हम जेल में कोई सादा तकरीब के साथ शादी करना चाहते थे, कोई 10-15 लोग हों, हुकूमत ने हमें जेल के अंदर शादी का इजाज़त दिया, कहा कि आप तारीख तय करें, लोगों को जमा करें, हमने हमारी तारीख तय हो गई और लोग जमा हो गए वहाँ, आखिरी टाइम पे मेरा पेरोल, उन लोगों ने कहा आपका पेरोल मंजूर नहीं हो गया, आपको शादी के लिए इजाज़त नहीं है। अब मेरे ससुराल के घर में भी हड्डी पकी थी, जेल में भी थोड़े बहुत स्वीट के डिश पके थे कैदियों के लिए, वो सारा का सारा दरा का दरा रह गया, मतलब वो उस तरह ही रह गया। फिर जब मैं जेल से बाहर निकला तो दोस्तों ने कहा कि आप जेल से बाहर निकल के ही शादी करें उसी दिन, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, वो दोस्तों से मशवरा किया कि इस तरह नहीं होगा, अभी लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है हम लोगों को कड़ाके की सर्दियों में इतना तवील अरसे तक उनको रखें। फिर वहाँ से हम आए, खैर उस दिन ही सुबह तक लोग 6 बजे हम घर पहुँचे, सुबह 6 बजे हम रात को निकले थे, जगह जगह इस्तकबाल हो रहे थे, लोगों ने मशवरा किया 1 महीने बाद शादी की जाए, और हमने कहा बहुत मुख्तसर से शादी करेंगे, तो दोस्त यार हमें मशवरा दिया, कामरेडों ने, तमाम इंकलाबियों ने, वतन दोस्त अफराद ने, नहीं हम पार्टी में शमूलियत के लिए, हम शटर रूम के लिए, हम पहिया जाम के लिए, हम हर चीज़ के लिए तुलबा के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दावत दी जाए, मुल्क भर के लोगों को दावत दी जाए, ओपन दावत का एक शादी का जनाब बोला हमें किया जाए, और साथ साथ जो है उसमें शादी में कोई तफरीक नहीं हो, कौम असम्बली का मेम्बर आता है, कोई अफसर आता है, कोई बच्चा आता है, कोई मजदूर आता है, सबके लिए यकसम डिशेस लगे एक ही जगह में। इस तरह लोगों ने खुद बैल लाए, बकरे लाए, खुशगाव लाए और चावल की बुरिया लाए, और वहाँ के होटल एसोसिएशन ने अपने तमाम कुक लाए, इस तरह से 50 से ज़ायद वहाँ शेप आ गए। तो ये एक ऐसा अमल चला रहा, 50,000 से ज़ायद लोगों ने उस शादी में शिरकत की, हमने रेडियो पाकिस्तान पर ऐलान कराया गिलगित बल्तिस्तान के चारों जबान में मुकामी, वो फेसबुक पर बयान दिया, ये और जो भी सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं उसमें पूरे मुल्क भर से, सिंध से, कश्मीर से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा के कई एक अजलात से लोग आ गए, और तमाम के तमाम अखराजात वहाँ के लोगों ने किया, और उनको बिठाने के लिए गाँव के लोग, अब बहुत सर्द मौसम था उसमें, हमारे लिए बड़े मुश्किल थे, कोई बीमार ना हो रात को, बाहर रख के दूर के पंजाब से लोग आए हैं, सिंध से लोग आए हैं, कराची से लोग आए हैं, हमारे लिए मुश्किल ना हो कोई बीमार हो। तो फिर वहाँ के गांव के लोगों ने और वहाँ जितने होटल थे उन सब ने आके हमें पेशकश किया, हमारे होटल साहब के लिए तैयार हैं, उन लोगों ने होटल किया। फिर नगर के आगे डिस्ट्रिक्ट के उधर से लोग आ गए, उन लोगों ने पेशकश किया, अगर ज़्यादा मेहमान आ गए हम भी बिठाएंगे। फिर गांव के कोई 600-700 घर हैं हमारे गांव में, उन्होंने आके अपना अपना लिस्ट दिया, मैं रात को ठहराने के लिए 10 मेहमान मेरे पास भेजो, 20 मेहमान भेज दो, 15 मेहमान भेज दो, इस तरह
वो घर के अफराद दो दो चार चार उधर बैठते थे। 21 तारीख से ये शादी थी और 27 तारीख तक ये चल रही थी। तो 15-15 20-20 अफराद सारे ले जा रहे थे, दूर दराज से आए हुए मेहमान, फिर करीब करीब गाँव के लोग गाड़ियों में जाते थे वापस आ रहे थे। इस तरह से ये बहुत ही खुश असलूबी के साथ ये वो मामला चला। तो उस पर मैं क्या तजिया करूँ, मतलब उसमें क्या है, अपने मुँह में बात हो गई।